हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है स्ट्रेस रिडक्शन के ऊपर कि कैसे हम एग्जाम का जो स्ट्रेस है उसको क्विकली जल्दी से उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत ही आपको मैं शानदार पांच टिप्स बताने वाला हूं। ऐसी पांच टिप्स हैं जिनको अप्लाई करके आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत हद तक कम हो जाने वाला है। चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज जितनी भी गर्ल्स हैं, जो वुमेन हैं, जो हमारे चैनल को देखते हैं, उन सबको हैप्पी वुमेन्स डे। मेरी साइड से, प्राची मैम की साइड से और पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की टीम की साइड से सारे वेमेन को, सारी गर्ल्स को हैप्पी वेमेन्स डे। बाकी लड़कों से मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो लड़के हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो कुकिंग करना सीख लें। ठीक है, अभी 9th एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, 10th एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएंगे। कुकिंग सीख लोगे तो आपकी लाइफ में जो वेमेन हैं, आपकी लाइफ में जो भी वेमेन है, मदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, आपकी या आपकी गर्लफ्रेंड है, या आपकी वाइफ जो होंगी फ्यूचर में, वो सब खुश रहेंगी। क्योंकि वुमेन की लाइफ में सबसे बड़ी स्ट्रेस होता है कुकिंग का। लड़के कुकिंग नहीं करते हैं, तो कुकिंग अगर आप सीख लोगे तो आपके लिए भी बेनिफिट है और आपके साथ जो लाइफ में आपकी वुमेन है उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं वापस स्ट्रेस रिडक्शन के ऊपर। तो पहली टेक्निक है स्ट्रेस रिड्यूस करने की, वो है स्लो एंड डीप ब्रीथिंग। बोर्ड्स के एग्जाम सिर पे हैं, बहुत स्ट्रेस है बच्चों को कि पेपर आ कैसा आएगा, क्या होगा, बहुत घबराहट हो रही है। मेरे पास इंस्टाग्राम पे रोज़ कम से कम 10 से 20 मैसेज हैं कि सर स्ट्रेस कैसे ख़त्म करें, सर एंग्जाइटी कैसे कंट्रोल करें, सर जो टेंशन हो रही है, घबराहट हो रही है मेरे को। ठीक है, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं पेपर में आता हुआ वहाँ घबरा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, कहीं तो बेहोश भी हो जाते हैं। इतनी घबराहट हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं, हाथों में पसीना आने लग जाता है, ठीक है, माथे पसीना आने लग जाता है, सांस तेज हो जाती है, तो इतनी एंग्जाइटी हो जाती है। तो पहली चीज़ है इन एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए बेस्ट तरीका है, वो है स्लो एंड डीप ब्रीथिंग। अब स्लो एंड डीप ब्रीथिंग कैसे होती है? आपको बेली से ब्रीथ करना है। एक बच्चे को देखना, बच्चा कैसे ब्रीथ करता है। छोटा सा बच्चा होगा ना, 1 साल का 2 साल का, उसको सोते हुए देखना, जब वो सोता है तो वो कैसे ब्रीथ करता है। वो ब्रीथ करता है पेट से, गहरी सांस लेनी है, स्लो सांस लेनी है, और जब आप इनहेल करेंगे, जब सांस अंदर जाएगी तो आपका जो टमी है वो बाहर आएगा, और जब एक्सहेल करेंगे तो टमी अंदर जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, हम चेस्ट से ब्रीथ करते हैं, चेस्ट से ब्रीथिंग होती है शैलो ब्रीथिंग, ये डीप ब्रीथिंग नहीं है। डीप ब्रीथिंग होती है पेट से, ठीक है। इनहेल करोगे तो टमी बाहर आएगा, एक्सहेल करोगे तो टमी अंदर जाएगा। तो डीप करनी है और स्लो करनी है। रात को सोते टाइम 5 मिनट और जब सुबह उठे तो 5 मिनट। आइडियली ये करी जाती है स्ट्रेट बैठ के, दीवार के सहारे आप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठ के आप आराम से डीप ब्रीथिंग करिए। और अगर आपको नहीं बैठा जाता, आपको लगता है आफत सी आती है बैठने में, तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हो। शवासन क्रिया होती है जिसमें आप बिल्कुल ही सीधे ऐसे बैठ जाते हो, सीधे लेट जाते हो, सीधे लेट गए ऐसे करके, बिल्कुल बिस्तर पे ऐसे करके शवासन में एकदम सीधे लेट के भी कर सकते हो। आइडियली ये बैठ के ही की जाती है, लेकिन अगर आपसे बैठा नहीं जा रहा, पीठ में दर्द हो रहा है, आफत आ रही है बैठने में, तो लेटे लेटे भी कर सकते हो। करना कब है? रात को सोते टाइम, सोने से एग्जैक्टली 5 मिनट पहले, और सुबह उठते ही 5 मिनट। विद टाइम आपका जो स्ट्रेस लेवल्स है वो काफ़ी कम हो जाएगा। एग्जाम टाइम के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग कभी भी आपको जहाँ स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आओगे तो ये टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो पहली टेक्निक तो यही है। दूसरी टेक्निक क्या है? ब्रेक लो। ये नहीं कि पढ़ने बैठे, 4-4 घंटे बैठे ही हुए, हिल ही नहीं रहे। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको हर 50 मिनट बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना है। 50 मिनट पढ़ लिए, 10 मिनट का ब्रेक, 50 मिनट पढ़े, 10 मिनट का ब्रेक। ब्रेक लो हर 50 मिनट के बाद। ये नहीं कि 5-5 घंटे बैठे हुए हैं, 6-6 घंटे बैठे हुए हैं, ना खाना खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ब्रेन चलेगा नहीं। कुछ जो पढ़ोगे ना समझ में आएगा ना याद रहेगा, बस बैठे हुए हैं बैठे हुए हैं। तो ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है, आपको ब्रेक्स लेने हैं, बीच बीच में 10-10 मिनट के ब्रेक लेने हैं हर 50 मिनट के बाद। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की ना कैपेसिटी है, आप घंटों तक नहीं समझ पाओगे। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें बेवकूफ़ों ऐसे नहीं पढ़ना कि पढ़े ही जा रहे हैं पढ़े ही जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, शाम को आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करो। आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग बहुत ज़रूरी है शाम को करना। इससे क्या होता है, ब्रेन रिलैक्स होता है, ऑक्सीजन लेवल्स आपके अच्छे हो जाते हैं, पूरे बॉडी में, ब्रेन में, हर जगह आपके ऑक्सीजन लेवल्स ठीक होंगे। जिन लोगों को चश्मा लगा है, जैसे मुझे लगा हुआ है, तो ऐसे लोगों को बहुत लंबे टाइम तक फोकस करने से आँखों में भी दर्द हो जाता है, थोड़ा आँखों में भी होता है, थोड़ा सिर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, बहुत लंबे टाइम तक पढ़ पढ़ के या स्क्रीन पे अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो मेरे, उससे भी दर्द होगा।
तो शाम को जब आप ब्रिस्क वॉकिंग करोगे ना आधा घंटा, तो उससे आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक होगा, सिर दर्द भी ठीक होगा, बॉडी के लिए भी अच्छा है, फिटनेस के लिए भी अच्छा है, ओवरऑल बहुत अच्छा है। अब लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी कहाँ है? ब्रिस्क वॉकिंग करनी है पार्क में, एक ऐसे पार्क में जहाँ पे ग्रीनरी बहुत हो, जहाँ पे ग्रास हो, घास होनी चाहिए हरी हरी, आसपास पेड़ होने चाहिए ग्रीन, ठीक है, मतलब आपको जाके लगे कि वाह मैं नेचर के क्लोज आ गया हूँ, लगे कि कहीं ऐसा लग रहा है कि हरियाली ही हरियाली है, कुदरत ही कुदरत है, कुदरत का तमाशा सा देखे, ठीक है, नज़ारा सा देखे, ब्यूटी ऑफ नेचर। तो एक ऐसा पार्क हो जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी हो, प्लांट्स हो, ट्रीज हो, ग्रास हो, ऐसी जगह जाना, ऐसी जगह बस चले जाना, सुनसान सी जगह पे जहाँ गंदगी फैली हुई है, कुछ है नहीं, वहाँ वॉकिंग करने का बेनिफिट नहीं है। जो रियल बेनिफिट आपको मिल रहा है वॉक करने का, वो तभी मिलेगा जब आप ग्रीनरी के आसपास हो, क्योंकि उससे ब्रेन भी रिलैक्स होता है, ठीक है, आपका ऑक्सीजन लेवल्स भी ठीक होंगे, शुद्ध हवा मिलेगी आपको, ओवरऑल आपका स्ट्रेस लेवल्स भी, बार बार साइंटिफिक स्टडीज़ में ये चीज़ प्रूव हो रही है कि नेचर के पास रहने से इंसान का स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि इंसान आया कहाँ से, इंसान जंगलों से ही आया है, सिविलाइजेशन को तो 10,000 साल हुए हैं स्टार्ट हुए, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ है 10,000 साल पहले स्टार्ट हुई है सिविलाइजेशन, लाखों साल तक तो हम लोग कहाँ रहे हैं, होमो सेपियंस हम लोग कहाँ रहे हैं, हम लोग जंगलों में रहे हैं, तो इंसान तो कुदरत के बीच में रहा है, ठीक है। तो कुछ समय निकाल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जंगलों में चले जाओ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आधा घंटा शाम को पार्क में जाके ब्रिस्क वॉकिंग करो, इससे ब्रेन बॉडी आंखें सब कुछ रिलैक्स होता है, एंग्जाइटी कम होती है इससे, ठीक है। और ये टिप्स जो मैं बता रहा हूँ ये लाइफ लॉन्ग अप्लाई कर सकते हो, खाली एग्जाम के लिए नहीं, हमेशा आपको स्ट्रेस रिडक्शन में हेल्प मिलेगी, इससे करके देख लेना फिर मुझे बता देना, ठीक है। चौथा पॉइंट, शाम को 15 मिनट के लिए, जब मान लो आपने पढ़ाई वढ़ाई अपनी कर ली है, मतलब या आपकी 40-45% पढ़ाई हो चुकी है, 90-95% पढ़ाई हो चुकी है, कई बच्चे रात को ज़्यादा पढ़ते हैं, कई बच्चे सुबह पूरी पढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं, जो भी है, रात को 7 बजे के टाइम, 8 बजे के टाइम 15 मिनट निकाल के आपको कहाँ बैठना है, आपको बैठना है या तो अपने टेरिस पे, छत पे, जो आपकी छत है, अब कई जगह छत नहीं होती, कई बच्चे कहेंगे सर मेरे फ्लैट के ऊपर फ्लैट है छत ही नहीं है, तो अगर आपके में टेरिस नहीं है तो आप बालकनी में बैठ जाओ। अब करना क्या है आपको, बालकनी में आपको बैठना है 7:30-8 बजे के टाइम पे, मून के नीचे बैठना है आपको, ऊपर आपको चांद दिखना चाहिए, चांद होता है ना मून, मून दिखना चाहिए आपको, चाहे टेरेस पे बैठो चाहे अपनी बालकनी में बैठ जाओ, ऊपर चांद हो और बगल में आपको लगाना है 15 मिनट एक लाइट म्यूजिक, 15 मिनट के लिए लाइट म्यूजिक। अब ये लाइट म्यूजिक क्या है, मैं कौन से म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, मैं ये रॉक वॉक पॉप वॉप की बात नहीं कर रहा हूँ कि वेस्टर्न म्यूजिक लगा लिया हु धड़ाका सा टाइप का, वो सब ड्रामेबाजी नहीं कह रहा मैं, उससे तो स्ट्रेस बढ़ता है, उन चीज़ों से स्ट्रेस बढ़ेगा, तो ये पॉप म्यूज़िक, ये जितना भी मोस्टली रॉक म्यूज़िक, ये सब नहीं सुनना आपको, ठीक है। और ये आजकल जो सॉन्ग्स चल रहे हैं ये वाले मत सुन लेना, इससे तो एग्रेशन बढ़ता है, इससे स्ट्रेस बढ़ता है, वो चीज़ें नहीं सुननी आपको, सुनना है एक सूदिंग और बहुत ही रिलैक्सिंग सा म्यूज़िक। जैसे कि मैं बताऊँ, आप लोग तो नहीं जानते हो, आप इस जनरेशन के हो, पहले के सिंगर्स जो थे इंडिया में, जैसे कि किशोर कुमार, मुकेश, रफ़ी, ठीक है, तो ये जो हैं मुकेश, किशोर, रफ़ी, इनका YouTube पे ज़रा गाने सुन पूछना, YouTube पे डालना है इनके नाम, ठीक है, किशोर कुमार, मुकेश, रफ़ी, ये तीन नाम मैंने बताए हैं, ये दिग्गज हैं इंडिया में म्यूज़िक के, बादशाह हैं ये लोग, ठीक है। इनका अगर आप म्यूज़िक सुनोगे तो आपका ब्रेन बहुत रिलैक्स होगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा। अपने पेरेंट्स इनके नाम पूछ लेना जो मैंने अभी आपको बताया, उनको पता होगा, ठीक है, बहुत फेमस थे। इनका म्यूज़िक ऐसा है, सुनोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि एकदम शांति मिल रही है मन को, ठीक है। अब कई बच्चे इनको नहीं सुनते, नहीं सुनना क्योंकि नई जनरेशन के हैं तो उनको नाम नहीं सुना है, तो सूफ़ी सॉन्ग सुन सकते हो आप, सूफ़ी सॉन्ग से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सूफ़ी सिंगर जैसे कि नुसरत फ़तेह अली खान, बहुत ही फेमस सिंगर है, ज़बरदस्त सिंगर है सूफ़ी सिंगर। फिर जैसे कि बुल्ले शाह, ठीक है, बुल्ले शाह एक सूफी पोएट थे, तो उनके भी गाने हैं, बुल्ले शाह के गाने सुन लीजिए आप। तो जो लोग सूफी सॉन्ग सुनना चाहते हैं वो नुसरत फ़तेह अली खान, बुल्ले शाह को सुन सकते हैं, जो लोग हिंदी में सुनना चाहते हैं वो मुकेश, किशोर, रफ़ी और जगजीत सिंह, जगजीत सिंह भी बहुत अच्छे सिंगर थे। तो इनका ये जो मैंने आपको म्यूज़िक बताया, ये म्यूज़िक है एकदम ऐसी स्टेट पैदा कर देगा कि ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाएगा, स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। 15 मिनट के लिए सुनना है, मून के नीचे बैठ के सुनना, ठीक है, चांद के नीचे बैठ के सुनोगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि जन्नत सी हो गई ये, थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए दुनिया हेवन लगना स्टार्ट हो जाएगी आपको, ऐसी फीलिंग आएगी जैसे मैं जन्नत में बैठा हूँ, ठीक है। ये चौथा पॉइंट है।
पांचवा पॉइंट, ये उन लोगों के लिए ज्यादा है जो बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, पूरे टाइम एंग्शियस से रहते हैं, घबराते से रहते हैं। कई लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, वो वैसे ही बाय बर्थ कुछ ऐसे होते हैं कि वो एंग्शियस रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, जरा सी बात हो टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, टेंशन टेंशन घबराते रहते हैं, ठीक है। तो इनकी पर्सनैलिटी एक जनरलाइज्ड एंग्जाइटी वाली होती है, बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हैं। तो इस केस में क्या करें, ये पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को सोते टाइम ना, जब सो गए, 5 मिनट डीप ब्रीथिंग कर ली, तो जब लेट जाओ सोने के लिए, तो एक बात बोलना अपने आप को, सेल्फ टॉक। ये सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये सेल्फ टॉक कर लेना, सेल्फ टॉक क्या करनी है आपको, ये बोलना है कि मैंने आज जितना मेरा पोटेंशियल था, जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपनी पढ़ाई कर ली, जितना मैं बेस्ट दे सकता था या जितना मैं बेस्ट दे सकती थी वो मैंने दे दिया। भाई आपने तो पूरी पढ़ाई कर ली ना, जितना आप बेस्ट दे सकते थे आपने बेस्ट दे दिया है। अब जो भी होगा, पेपर टफ आएगा, मुश्किल आएगा, बहुत मुश्किल आएगा, या पेपर मेरे से सॉल्व नहीं होगा, एग्ज़ाम बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्वेश्चंस बहुत टफ आएंगे, कैसे भी आएंगे, जैसे भी आएंगे, आउट ऑफ सिलेबस आएंगे, इनसाइड सिलेबस आएंगे, मेरे को पेपर बिल्कुल मान लो समझ में नहीं आया, कुछ भी हुआ, एक्स वाई जेड, अब जो भी पेपर आएगा हम देख लेंगे, देख ही जाएगी, कोई बात नहीं। तो ये 3 लाइनें बोलनी है। पहला कि मैंने जितना बेस्ट अपना दे सकता था, दे सकती थी, वो आज के दिन में मैंने दिया है। दूसरी बात बोलनी है अपने आप को, अब जो भी होगा वो देख लेंगे, देखी जाएगी, ठीक है, देखी जाएगी, देख लेंगे, कोई बात नहीं। तीसरी बात है ये बोलना, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, कोई बात नहीं। ये छोटी सी बातें लग रही हैं आपको बोलने में, सुनने में, लेकिन ये जब अपने आप से आप रेगुलर बोलोगे ना कि देखी जाएगी, कोई बात नहीं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ब्रेन और लाइफ थोड़ी स्ट्रेस फ्री होती है, आप थोड़ा सा चीज़ों को ईजी लेते हो, थोड़ा सा आप लूजन अप हो जाते हो। तो ये लाइन जब रात को सोते टाइम बोलोगे तो धीमे 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 क्या होगा, आपका जो ब्रेन है उसकी रीवायरिंग हो जाएगी, ब्रेन थोड़ा सा आपका रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। तो कभी एग्जाम में आप बैठे और घबराहट हो गई और ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, बड़ा मुश्किल सा, समझ में नहीं आ रहा, आप समझ में नहीं आ रहा क्या करूं कैसे करूं, तो उस टाइम ये जो आपने चीज़ें बोली हुई है ना, तो दिमाग में आप रिकॉल करेगी, कोई बात नहीं, ठीक है यार, एक क्वेश्चन नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसमें नंबर कमाएंगे, कोई बात नहीं, बाकी तो पेपर अच्छा करके आओगे, 98 नंबर तो आएंगे, 100 नहीं आएंगे तो, लेकिन घबरा गए तो क्या होगा, बिल्कुल ही गुड़ गोबर कराओगे पेपर में, 98 की जगह आपके 68 आ जाएंगे। बहुत बच्चों के आते हैं पेपर पूरा आता है, घबराते ना जाते हैं, उल्टा सीधा लिखाते हैं, समझ में नहीं आता, कहीं का कुछ लिख के आ जाते हैं। तो वो बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी है, ये तभी होगी जब आपका जो माइंड है वो धीमे धीमे स्ट्रेस फ्री होना स्टार्ट होगा। फिर एक चीज़ बोलता जाता हूँ जाते जाते, स्ट्रेस कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लोग स्ट्रेस से इतना, हमने स्ट्रेस को इतना नेगेटिव टर्म के उससे जोड़ दिया है, ये बात सच है कि चिंता ही चिता है, चिंता ही चिता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो डेफिनेटली स्ट्रेस से बीमारियाँ होती हैं, स्ट्रेस से सारी बीमारियाँ होती हैं, स्ट्रेस से हार्ट डिसीज़ होती है, स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रेस से डायबिटीज़ होती है, स्ट्रेस से नींद नहीं आती, इंसोम्निया होता है, दुनिया भर की बीमारियाँ हैं स्ट्रेस से। लेकिन ये तब है जब आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना हमें, ज़्यादा स्ट्रेस जब भी हो तो मैंने टेक्निक्स बता दी हैं, इंस्टेंटली आपको आराम मिलेगा, डीप ब्रीथिंग से तो बहुत ही आराम मिलेगा, कभी भी ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाए तो डीप ब्रीथिंग कर लेना 5 मिनट, इमीडिएटली 5 मिनट में आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो ज़्यादा स्ट्रेस प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस तो लो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही केयर फ्री हो गए कि बाहर में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फेल हूँ, मैं पास हूँ, कोई तेल लगा दो, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। थोड़ा स्ट्रेस ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस होगा तो आप स्टेप्स लोगे, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, फिर एंग्जाइटी में रहोगे आप, पर पैनिक अटैक्स आएंगे, परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमें थोड़ा स्ट्रेस रखना है, हल्का सा स्ट्रेस होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं और इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा हमें स्ट्रेस लेना है। तो स्ट्रेस ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना, इतना नहीं लेना कि एक्सेस में ही हो जाए कि हम पढ़ ही नहीं पा रहे, हम पूरे टाइम स्ट्रेस में ही हैं, घबरा ही रहे हैं पूरे टाइम पे, पढ़ाई हो नहीं रही है, नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल ही पागल से हो गए हैं, ठीक है, इधर उधर यूट्यूब पर बस वीडियो ढूंढे जा रहे हैं हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस, दूसरों से पूछ रहे हैं कि फ़ोन कर करके, अरे भैया तेरी टेंशन हो रही है, क्या करा तूने, क्या करा, वो भी कह रहा है मुझे टेंशन हो रही है। तो ये सब मत करो, इससे टेंशन बढ़ती है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, मैंने आपको जितना हो सकता है कोशिश करी है समझाने की कि कैसे आप स्ट्रेस लें। आप इन टेक्निक्स को अप्लाई करोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, लाइफ में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
वीडियो अगर यार अच्छा लगता है तो काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं, आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, तो इन वीडियोस को हर एक के साथ, जितने भी आपके दोस्त हैं, जानने पहचानने वाले हैं, सबके साथ इन वीडियोस को शेयर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।